हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एशियन रसोई। आज मैं आपके साथ फेमस कबाब यानी कि शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। काले चने के बने हुए ये कबाब खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाने में काफी आसान होते हैं। इन्हें बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 100 ग्राम काले चने और इन्हें मैंने पूरी रात भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इन्हें नमक डालकर उबाल लिया है और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। और उसके बाद मैंने इसे छलनी पे रख दिया था जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। एक बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 मीडियम साइज के आलू जिन्हें मैंने उबाल कर छीला हुआ है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक टेस्ट के हिसाब से, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च है और ये सादा जीरा है जिसे मैंने पीसा हुआ है, ये 1 चम्मच है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2-3 चम्मच बेसन, इसे बाइंड करने के लिए यूज करेंगे, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच और थोड़ी सी किशमिश, इसमें ये मीठा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे हम रिफाइंड ऑयल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो चने हैं इन्हें मिक्सी में डालकर हल्का दरदरा कर लेंगे और कुछ ही सेकंड में चने दरदरे हो गए हैं। इन्हें हम एक बर्तन में पलट लेंगे और देखिए ये मिश्रण एकदम दरदरा हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये एकदम सूखा भी है। इसी समय हम इसमें ये जो हमने आलू लिए थे ये फोड़ के डाल देंगे। आलूओं को ग्रेट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये प्याज, नमक, चनों को भी उबालते हुए नमक डाला था इसलिए नमक आप हिसाब से डालें, मिर्च, चाट मसाला, ये पिसा हुआ जीरा, हरी मिर्च, आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं और इसी समय ये धनिया डाल देंगे, किशमिश, और इन सब चीज़ों को एक बार अच्छी तरह मिला लेंगे। और ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिल गई हैं। अब हम इसमें ये बेसन डाल देंगे और एक बार फिर से अच्छी तरह मिलाएंगे। और ये हमारा एकदम अच्छा सा डो बन के तैयार हो गया है। अब आप इसके कबाब की शेप दे देंगे, जैसे एक टिक्की होती है उस तरीके से। बस इसी तरीके से मैं और बना लेती हूँ। अब हम एक गैस ऑन करेंगे, तवा रखेंगे और उस पर मैंने ये 2-3 बूंद रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इस पर हम ये एक एक कबाब रखते जाएंगे। और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हम ऊपर से भी डाल देंगे और इन्हें हम उलट पलट कर करीब 4 से 5 मिनट तक सेकेंगे। और देखिए हमारे ये कबाब एकदम सिककर तैयार हो गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। शामी कबाब को सेकने में करीब 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है क्योंकि हमने इसमें बेसन भी डाला हुआ है। इसी तरीके से सेक लिया है। ये एकदम टेस्टी शामी कबाब बनकर तैयार है। आप इन्हें हरे धनिए की चटनी के साथ, प्याज के लहसुन के साथ और टमाटर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें। ये एकदम टेस्टी शामी कबाब बनकर तैयार है। शामी कबाब काफी सॉफ्ट होते हैं और खाने में टेस्टी लगते हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।